मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रात 2 से 4 के बीच थोड़ा बहुत विराम लगता है। उसी विराम काल में सुनसान सड़क पर अपनी कार में बैठी दिन भर की थकान से बोझिल पलकों को कुछ देर के लिए बंद कर रुखसाना कुछ सोच रही थी। इस सुनसान सड़क पर कितनी देर और इंतजार करना होगा। रात के 2:30 बजे आने की बात हुई थी मगर अब 4 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा सब कुछ? कहीं इसने मुझे झूठ बोलकर तो यहाँ नहीं बुलाया? सोचते हुए वो किसी को फोन लगाने लगी। रुखसाना पुलिस हेड थी। यहाँ पर एक पेचीदा केस को लेकर बड़ी लीड मिलने वाली थी जिसकी कीमत एक मुजरिम की जेल से रिहाई थी। रुखसाना बहुत देर तक ट्राई करती रही मगर फोन नहीं लगा। उसने अपनी कार की पिछली सीट पर हाथ पैर बंधे मुजरिम पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, साले तू इस खेल के लिए खिलौना है। जैसे ही मुझे उस केस का कुछ लीड मिलेगा ना, तुझे वापस धर दबोचूंगी। मगर तेरे साथी साले अब तक क्यों नहीं आए? क्या उनको भी अब तेरी जरूरत नहीं है? रुखसाना कुछ देर और रुक कर उसका इंतजार करना चाह रही थी मगर तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया। फोन प्राइवेट नंबर से था। हेलो, कौन? जो कोई भी हूँ, आपका शुभचिंतक ही हूँ। आपकी कार में जो मुजरिम बैठा हुआ है उसकी खबर आपके हेड ऑफिस को मिल चुकी है। वो लोग कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे, फिर शायद आप सस्पेंड भी हो सकती हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप उसे छोड़ दें और जैसे ही वो भागने लगे उसे एनकाउंटर में मार दीजिएगा। आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। मेरे रास्ते से वो हट जाएगा और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। कौन बोल रहे हैं आप? रुखसाना के पूछने का उधर से कोई भी जवाब नहीं आया और फोन कट गया। रुखसाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तभी उसे उसके पीछे से गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही उसने उस तरफ देखा तो उसकी गाड़ी में बंधा हुआ कैदी दर्द से छटपटा रहा था। रुखसाना ने अपनी बंदूक संभाली और जोर जोर से चीखते हुए बोली, कौन हो? सामने आओ मेरे, वरना गोली चला दूंगी। रुखसाना के बार बार बुलाने पर एक खूबसूरत सा शख्स उसके सामने आ गया। कौन हो तुम? वो रुखसाना की किसी बात का जवाब दिए बिना उस लाश को लेकर अंधेरे में गायब हो गया। रुखसाना को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी कुछ पुलिस की गाड़ियां आकर वहां रुकी और उसमें से सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु रुखसाना के पास आकर बोले, बस रुखसाना, हमें पता है कि आपने जेल में से एक मुजरिम को भगाने में मदद की है। आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए। आपके पुराने अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए ये बात यहीं दबा दी जाएगी। कहते हुए अभिमन्यु रुखसाना की कार में देखने लगा मगर वहां पर कोई भी नहीं था। वो कैदी कहाँ है? आपने उसे भगा दिया क्या? रुखसाना ने अभिमन्यु को सारी कहानी सुनाई तो अभिमन्यु गुस्से में उसकी ओर देखकर बोला, बस रुखसाना, आपने अच्छी कहानी सुनाई है मगर आपके पास केवल 24 घंटे हैं। मुझे वो मुजरिम जिंदा चाहिए वरना आपको सस्पेंड होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी लोग रुखसाना की तरफ देख रहे थे मगर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उस कैदी को जिंदा कहां से लाएगी। वो अपनी कार लेकर वहां से निकल गई। वो लगातार उस नंबर पर कॉल कर रही थी जिस नंबर से उसे फोन आया था मगर दोनों फोन नो नेटवर्क एरिया के बाहर थे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे मदद लूं? वो आदमी कौन था जो मेरी आंखों के सामने उस लाश को लेकर गायब हो गया? पहले रिहाई के लिए फोन, उसके बाद उसे मारने के लिए, और फिर किसी और ने उसे मार दिया और लाश भी गायब हो गई। खुद से ही बातें करती हुई रुखसाना गाड़ी चला रही थी। अचानक सामने की सड़क पर एक विक्षिप्त महिला को देखकर उसने कार रोक दी। वो विक्षिप्त महिला रुखसाना को घूर कर देखने लगी, फिर धीरे धीरे उसकी कार की तरफ बढ़ने लगी। उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने पास आकर खिड़कियों के कांच को अपने नाखूनों से खुरचना चालू कर दिया। चली जा यहाँ से, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना वो लाश मिलेगी और ना ही वो नंबर लगेगा। उस महिला की बात सुनकर रुखसाना हैरान हो गई क्योंकि उस महिला को कैसे पता था कि वो किसी का फोन लगा रही है और किसी लाश की तलाश कर रही है। आपको ये सब कैसे पता है? कौन है आप? रुखसाना और कुछ पूछ पाती उसके पहले ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। कहाँ गई वो? अब उसे कहाँ ढूंढूं? लगता है आज का दिन पूरा मिस्ट्री में ही भरा हुआ है। मगर मैं भी रुखसाना हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी।
आज ये मिस्ट्री सुलझा कर ही रहूंगी। कहते हुए वो कार से बाहर आई और खड़े होकर सारी घटनाओं के तार को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। वो आंखें बंद कर उन कदमों की आहट को महसूस करने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, आज सुबह से परेशान हो गए, दो लोगों को मौत की घाट उतार दिया और एक पुलिस वाली को बेवकूफ बनाया, मगर उसके बावजूद हम आधी रात को इस तरह सड़कों पर भटक रहे हैं। आखिर गुरु माँ चाहती क्या है जो आधी रात को हम लोगों को इस तरह भटका रही है। बस मेरा काम हो जाए उसके बाद तो काम हो जाए। उसके बाद क्या? उसके बाद तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से वो तेरा पीछा छोड़ देगी? उन्हें इतनी सिद्धियां प्राप्त हैं कि अभी हम दोनों क्या बात कर रहे हैं वो भी उन्हें पता होगा। जल्दी से एक और रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी के दिन जन्मे हुए पुरुष का पता करना होगा, समझा? रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी में जन्म लेने वाले पुरुष के चक्कर में तो एक व्यक्ति को जेल से बाहर निकलवाया, अब और कहां से ढूंढे? वो तो हमें ढूंढना ही होगा, वरना उनकी ताकत पता है ना, हमारी जिंदगी अंधेरे में डुबा देगी, ऐसी तबाही आएगी कि कोई नहीं रोक पाएगा। उन दोनों की बातें सुनकर रुखसाना के कान खड़े हो गए। वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगी मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आए। तभी अचानक उसके सर पर तेज प्रहार हुआ और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। दर्द से उसका सर घूमने लगा। गहन अंधकार में उसे दूर अग्नि जलती हुई नजर आने लगी। अपनी अधखुली आंखों में उसने जो कुछ भी देखा उसे यकीन नहीं हुआ। सामने वही शख्स बैठा था जिसने उस कैदी की लाश को गायब किया था। वो लाश भी उस हवन कुंड के पास ही पड़ी थी। हवन कुंड के आसपास चार आदमी काले लिबास पहने बैठे, जो सबकी आंखें बंद थी, मानो कुछ ध्यान कर रहे हैं। उन्हें आदमियों के बीच एक बूढ़ी औरत जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रही थी। हवन की रोशनी में उसका भयानक चेहरा साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उसने मंत्रोच्चारण बंद कर दिया और लोगों की तरफ गुस्से में देखने लगी। बस एक और बलि चाहिए, कैसे भी उसका इंतजाम करो ताकि हो सके मौत से सौदा। मुझे अमर होना है, इसीलिए मेरी जिंदगी के बदले मौत को 3 बलि चढ़ाऊंगी। क्या कहते हो उसे तुम? डील विथ डेथ। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। बलि का इंतजाम, मगर कैसे करें? कहां से लाए उस विशेष नक्षत्र में जन्मा हुआ पुरुष? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ, मुझे एक बलि और चाहिए। रुखसाना अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर उस महिला के सामने खड़ी हो गई। तू अमर होना चाहती है ना? मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुझे अभी गिरफ्तार करूंगी। कानून तुम्हें जो सजा देगा वो बाद में देगा। पहले एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को बेवकूफ बनाने और जेल में कैद मुजरिम को भगाने और फिर उसे मार देना, इसकी सजा मैं तुझे अभी देती हूँ। कहते हुए वो उसे मारने लगती है। रुक जा, तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि शैतान से मुझे कई सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। कहते हुए उस बुढ़िया ने कुछ मंत्र पढ़कर राय के दाने हवा में उछाल दिए और उन दानों के साथ रुखसाना भी उछल गई। वो तेजी से पीछे बने गड्ढे के भीतर गिर गई, मगर अचानक से खुद को संभालते हुए रुखसाना फिर खड़ी हुई और उसने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उस महिला के सिर को उड़ा दिया। साथ ही वहां बैठे बाकी के लोगों को भी मार दिया। बुरे काम का बुरा नतीजा। उस महिला को मारने के बाद रुखसाना पुलिस स्टेशन फोन लगाकर पूरी घटना के बारे में जानकारी दे ही रही थी कि वो महिला फिर से उठ खड़ी हुई। मैंने कहा था ना, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं नहीं मर सकती, मगर अब तुझे मरना होगा। कहते हुए उस बुढ़िया ने रुखसाना को मार दिया। अगली सुबह जब पुलिस वाले आए तो वहां पर जेल से भागे हुए कैदी के साथ रुखसाना और बाकी के लोग भी मरे हुए पड़े थे। उस महिला के शरीर के कुछ अंग गायब थे। कहा जाता है कि वो रहस्यमयी महिला अभी भी वहां पर भटकती है। उसे आज भी जिंदा होने के लिए रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी को जन्मे हुए पुरुष की तलाश है।
यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो उस इलाके से दूर रहिएगा।